लूर्द मदर चर्च बटकुरी पैरिश के सब पैरिशनर्स को जयेश। हम अभी मादा मरियम की नवरोजी प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। नौ दिन मादा मरियम का नाम लेकर हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के लिए, हमारे आस पड़ोस के लोगों के लिए, हमारी पैरिश के लिए, पैरिशनर्स के लिए, अपने आप के लिए। हम मादा मरियम से प्रार्थना करते हैं। जब हम मादा मरियम से इस नौ दिन प्रार्थना करते हैं, हमें भी मादा मरियम की कई पुण्यों को अपनाना चाहिए। जैसे मादा मरियम हमेशा अपने प्रभु यीशु को लेकर घूमती थी, उनके सदा साथ में प्रभु यीशु को पाते थे, क्या हमारी जिंदगी में हम प्रभु यीशु को हमारे साथ लेते हैं? क्या हमारे जिंदगी में प्रभु यीशु क्या हमारे साथ पाते हैं? जब मादा मरियम को ये पता चला कि प्रभु यीशु तीन दिन उनके साथ नहीं रहे, उनकी खोज में निकल पड़ती है मादा मरियम। शायद कभी कभी हमारे जिंदगी में भी प्रभु यीशु कभी खो जाते हैं, हमको भी निकल पड़ना है फिर प्रभु यीशु को फिर से वापस लाने के लिए हमारी जिंदगी में। उसके लिए हम मादा मरियम से इन दिनों में प्रार्थना करें। हम देखते हैं लूकस के पवित्र सुसमाचार अध्याय एक अनुवाद 39, जहां हम मादा मरियम शीघ्रता से एलिजाबेथ की ओर निकल पड़ती हैं। हम भी हमारी जिंदगी शीघ्रता से ही निकालते हैं। हम कभी कभी इतना जल्दी हो जाता है, मगर हमारी इस जल्दीपन क्यों है, किसके लिए? शायद हम जल्दी दौड़ते हैं कि एक दूसरों से आगे बढ़ने के लिए या दूसरों को पीछे करने के लिए, मगर मादा मरियम ऐसे नहीं। वो शीघ्रता से इसलिए निकल पड़ी है कि एलिजाबेथ की सेवा करने के लिए। जब हम मादा मरियम से इस नवरोजी प्रार्थना में प्रार्थना करते हैं, आज के दिन हम मादा मरियम से ही प्रार्थना करें कि माँ मरिया, हमारी जिंदगी में भी एक दूसरों की सेवा करने की कृपा हमें प्रदान कर। हमारी शीघ्रता उसलिए होना है कि दूसरों तक मैं मदद पहुंचा। अभी इस महामारी कोविड-19 की बीमारी के वजह से कई लोगों को बहुत सारी जरूरत है। हम मादा मरियम से उनके लिए प्रार्थना करते साथ ही साथ उनकी कुछ मदद भी करने के लिए कोशिश करें, जैसे मादा मरियम एलिजाबेथ की सेवा किया था और एक दूसरों के लिए अपने प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करते थे, अपने पुत्र प्रभु यीशु से प्रार्थना करती थी। वैसे भी हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरों की मदद करें। मादा मरियम आपको और आपके परिवार को और हमारी इस पैरिश को भरपूर आशीष प्रदान करें। अपने लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।